Dear students, today we will discuss that is about precipitation titration. Precipitation titration का हम एक method discuss कर चुके हैं. दूसरा method है that is कौन सा Wollard method. Wollard method में क्या होता है, मतलब precipitation titration के लिए हम use करते हैं, इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह का आता है, मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन Wollard मेथड, तो आपको किस तरह से लिखना है वो मैं चीज बताने वाला हूँ. तो कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना ताकि आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो Wollard मेथड जैसा क्या है, प्रिंसिपल अपना सबसे पहले है. प्रिंसिपल के जो कॉम्पोनेंट्स है या जो मेन पॉइंट्स है मैं पहले वो बता रहा हूँ. वो है पहला पॉइंट है ये किस किस के लिए यूज होता है Wollard मेथड. फॉर व्हाट, फॉर हैलाइड्स पहला, दूसरा थायोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, सल्फाइड्स, क्रोमेट्स, ऑक्सलेट्स, आर्सेनेट्स, कार्बोनेट डिटरमिनेशन के लिए. इन सभी के जो मतलब जो मैंने आयंस बोले हैं इन सभी के डिटरमिनेशन के लिए काम में लिया जाता है, पहला पॉइंट. ओके, दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं किससे टाइट्रेट करते हैं, मतलब दीज आर वी कैन से एनालाइट्स, दीज आर एनालाइट्स. ओके, ये हम इनको एनालाइट्स बोल सकते हैं. फिर उसके बाद में ध्यान देना टाइट्रेट मतलब हम किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं. पहला है हमारा देखना स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. दूसरा है पोटेशियम थायोसाइनेट और तीसरा है अमोनियम थायोसाइनेट. ये मैंने यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स क्यों लिखे हैं मैं अभी थोड़ी देर में इसको प्रोसीजर में समझाने वाला हूँ. ओके, तो ये तो हो गया आपका टाइट्रेंट. और थर्ड पॉइंट देखना इंडिकेटर इसमें जो यूज होता है जनरली फेरिक अमोनियम सल्फेट होता है जिसका दूसरा नाम आयरन एलम भी होता है जिसको हम बोलते हैं फिटकरी. ओके, जिसका फॉर्मूला देखना अमोनियम है, अमोनियम आ गया. आयरन को फेरिक को Fe बोलते हैं और सल्फेट को SO4 बोलते हैं. ध्यान देना यहाँ पे याद करने के लिए कैसे याद कर बताता हूँ. आयरन Fe है, वो Fe कौन सी कंडीशन में, Fe+3 में है. क्यों, ये फेरिक है तो आपको पता होना चाहिए Fe+3 को हम फेरिक बोलते हैं. तीन वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है. अमोनियम की आपको पता है कि NH4+1 होती है, सल्फेट की दो होती है. तो किस तरह से सल्फेट हो गया ये नहीं रहेगा, तो ये कहानी रहता है अमोनियम अमोनियम आयरन सल्फेट, मतलब फेरिक अमोनियम सल्फेट. ये इस तरह से इसका फॉर्मूला आपको याद करना. या ध्यान रहे इसमें आपको 12 वाटर मॉलिक्यूल साथ रहते हैं. ओके, ये तो हो गया आपका इनिशियल पैरामीटर्स. अब मैं ये रिएक्शन समझाने से पहले मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा ताकि आपको इजी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो देखना सबसे पहला मतलब प्रोसीजर क्या होता है, या यूं कहूंगा इसका मेथडोलॉजी क्या होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेप्स है. दो पहला ए है हमारा कौन सा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन. AgNO3 सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखना स्टैंडर्ड 0.1 NaCl सॉल्यूशन लेते हैं 10 ml का. तो ये हमने एनालाइट का ले लिया 10 ml ले लिया ये, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ली 0.1 N ली है. ओके, ये तो आपका NaCl हो गया. उसमें K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डाला, ये आपका इंडिकेटर हो गया. क्लियर, और ये आपका कॉनिकल में हो गया. और इसको क्या करना है, टाइट्रेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, मतलब ये आपका एनालाइट हो गया जिसको सॉरी ये आपका टाइट्रेंट हो गया. टाइट्रेंट में ध्यान देना टाइट्रेंट हमारा AgNO3 है जो 0.1 N का बनाया है, लेकिन इसको साथ में हमें स्टैंडाइज कर रहे हैं. आप ध्यान देना साथ इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो रेडिश ब्राउन PPT आएगा एट द एंड ऑफ पॉइंट, एंड पॉइंट. इसके मैं रिएक्शन बताऊं जैसा कि हमने मोहर मेथड में पढ़ा था. ध्यान देना रिएक्शन बात कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट के बाद में. तो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये जनरली एसिडिक मीडियम में होती है. ध्यान देना पहला यहां पे
NaCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा, डाउन चला जाएगा, सोडियम नाइट्रेट एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा। ओके ये तो हो गया प्रेसिपिटेशन का। ओके फिर उसके बाद में AgNO3 इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये आपका रेडिस ब्राउन पीपीटी आ गया, ये आपका रेडिस ब्राउन पीपीटी आ गया, पीपीटी आ गया। ओके ये कौन सा हो गया आपका एंड पॉइंट हो गया, क्लियर, ये एंड पॉइंट हो गया। और ये दोनों रिएक्शन किसकी हो गई, ये दोनों रिएक्शन हो गई, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इन दोनों की, इसका मतलब ये हो गया दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3। ओके नाउ अब हम बात करते हैं वोलार्ड मेथड के जो मेन जो प्रोसीजर है जिसमें अपन बात कर रहे थे, तो हमारा बी सेक्शन आ गया ये वाला। ओके बी सेक्शन में ध्यान देना एस्टीमेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कर रहे हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए क्या करना है ध्यान देना, सैंपल लेना है पोटेशियम क्लोराइड का, सैंपल लिया जनरली वो ही अपन ध्यान रखते हैं, यहाँ पे 0.1 N आपको लेना है और 10 ml के आसपास हमें 10 ml का सोल्यूशन लेना है। ओके एक्सेस अमाउंट में हम AgNO3 सॉल्यूशन डालेंगे, किसमें की बात कर रहे हैं, ये कॉनिकल की बात कर रहे हैं, KCl लिया, कौन सा लिया 0.1 लेना है, 0. आपको 0.1 N लेना है और 10 ml हम ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ओके ये हो गया और उसके बाद में इसमें आयरन एलम डाल दिया इंडिकेटर, ये आयरन एलम हो गया और AgNO3 डाला जो आपको एक्सेस अमाउंट में है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान देना इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो KCl और AgNO3 जितनी रिएक्शन करनी थी, KCl को एक्सेस अमाउंट में हमने AgNO3 डाला, एक्सेस अमाउंट में हमने AgNO3 डाला, तो ध्यान देना KCl और AgNO3 दोनों रिएक्शन कर रहा है, किस तरीके से ध्यान देना, एक्सेस AgNO3 और KCl, यहाँ पे KCl जो डाला है और AgNO3 ये डाला है, एक्सेस अमाउंट में डाला है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया है, KNO3 का क्या हो गया आपको ये कंडीशन हो गया बाय प्रोडक्ट, तो ये एक्सेस कंडीशन में हो गया, एक्सेस कंडीशन का मतलब यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है, ये आपका हो गया एनालाइट का। ओके एनालाइट का बात हो गया और ये किसकी कंडीशन में बात हो रही है, कॉनिकल की बात हो रही है, कॉनिकल कंडीशन में हो रही है, क्लियर। फिर अब ध्यान देना आगे, फिर जैसे ये कहने का मतलब एक्स यहाँ पे KCl जितना था पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, आई मीन टू से यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया जितना बनना था, क्लियर, ये AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, इसमें आयरन इंडिकेटर डाला हुआ है, ध्यान देना अब जो रिमेनिंग AgNO3 था, जो रिमेनिंग मैंने क्या कहा एक्सेस अमाउंट में डाला है, एक्सेस अमाउंट में डाला है तो KCl ने तो रिएक्शन कर लिया, अब रिमेनिंग जो था ये वाला AgNO3 कौन सा है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं टाइट्रेट कर रहे हैं, वो टाइट्रेट किसके साथ कर रहे हैं, वो हमारा KCl मतलब पोटेशियम थायोसाइनेट हो गया, जो आपका यहाँ पे टाइट्रेंट के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे टाइट्रेंट के तौर पे काम करेगा, मतलब रिमेनिंग AgNO3 को KSCN के साथ में टाइट्रेट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में किस तरह से रिएक्शन करेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करें AgSCN का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सिल्वर थायोसाइनेट का KNO3 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, जब KSCN और AgNO3 कम रिएक्शन कर रहे हैं, आप ध्यान देना जितना AgNO3 था उसने वो पूरा का पूरा रिएक्शन कर चुका, जो एक्सेस अमाउंट में रिमेनिंग बचा हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे रिमेनिंग बचने के बाद में ये हम वापस ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो आयरन का एलम था, आयरन एलम था एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा था, उसमें आयरन कौन सी कंडीशन में था, Fe+3 के फॉर्म में था, Fe+3 के फॉर्म में था, तो एंड पॉइंट पे ये आपका एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट पे क्या करना है, एंड पॉइंट पे आयरन का रिएक्शन करेगा आयरन एलम से, और ये HCN कहां से मिलेगा, KSCN से यहां से मिलेगा, और ये रिएक्शन कर दिया और ये आपका जो प्रेसिपिटेट आया एंड पॉइंट पे, ये आपका रेड पीपीटी आ गया, रेड पीपीटी आ गया। ओके तो कहने का मतलब यहां पे ध्यान देना, पहले हमने
KCl को टाइट्रेट करने के लिए एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाला, और AgNO3 कितना बचा वो हमने क्या किया KSCN से पता कर लिया। तो कितना AgNO3 यूज हुआ वो KCl के लिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह की टाइट्रेशन को ये तीनों चारों रिएक्शन, इस तरह की टाइट्रेशन को हम बैक टाइट्रेशन कहते हैं। बैक टाइट्रेशन में क्या कर रहे हैं अपन, एक्स पहले एक्सेस अमाउंट में हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं जो AgNO3 था, कौन सा, स्टैंडर्डाइज वाला, ये स्टैंडर्डाइज वाला। उसके बाद में उसको रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। तो उस तरह से उसको आपका एग्जैक्ट अमाउंट किसके लिए निकल जाएगा, KCl के लिए। ओके, इस तरह से कहने का मतलब हमारा ये वाला जो तीन रिएक्शन हो गई, ये तीन रिएक्शन किसकी हो गई, डिटरमिनेशन या एस्टीमेशन ऑफ KCl के लिए। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा वोलार्ड मेथड कंप्लीट होता है। वोलार्ड मेथड में दोबारा से एक समरी तौर पर बता रहा हूं, समझना। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल, हैलाइड, थायोसाइनेट, साइनाइड, सल्फाइड, क्रोमेट, ऑक्सीलेट, आर्सेनेट, कार्बोनेट, इनके डिटरमिनेशन के लिए किया जाता है, जिसमें अपन इनको एनालाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पे टाइट्रेंट जो मैंने बोला था कि हम यहाँ पे तीन क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान देना, पहला हमारा AgNO3 यहाँ यूज हुआ एज ए टाइट्रेंट, दूसरा पोटेशियम थायोसाइनेट यहाँ यूज हुआ किसके लिए, AgNO3 को रिमेनिंग वाले को यूज पता करने के लिए, पोटेशियम साइनाइड की जगह दूसरा अमोनियम थायोसाइनेट भी ले सकते हैं, मतलब इसकी जगह हम दूसरा क्या ले सकते हैं, NH4SCN भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम ले या नहीं ले। ओके, फिर उसके बाद में इंडिकेटर हो गया, एलम इंडिकेटर ले रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है, सिंपली पहले हम AgNO3 को टाइट्रेट कर रहे हैं, जैसे मोर मेथड में किया था, स्टैंडाइज किया, स्टैंडाइज करने के बाद में एक्सेस अमाउंट में हमारे सैंपल में AgNO3 डाला, और यहाँ पे आयरन एलम इंडिकेटर डाला, और उसको टाइट्रेट किया पोटेशियम, पोटेशियम किससे किया, टाइट्रेट विद पोटेशियम थायोसाइनेट, और रेड पीपीटी एंड द एंड पॉइंट आया, ये और रेड पॉइंट आ गया। और इस तरह से हमारे ये रिएक्शंस हुई जिनकी बेसिस पे हम इसको प्रिंसिपल को निकाल रहे हैं। इसमें दो स्टेप हो रही है, कौन कौन सी, पहले स्टैंडाइजेशन, फिर उसके बाद में टाइट्रेशन विद मतलब AgNO3 एज वेल एज पोटेशियम थायोसाइनेट। AgNO3 पहले हम एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हैं, और रिमेनिंग AgNO3 को हम पोटेशियम थायोसाइनेट से फाइंड आउट करते हैं, और एंड पॉइंट पे रेड पीपीटी आता, आयरन का सॉल्ट बन जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वोलार्ड मेथड। अब मैं बात कर रहा था एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको याद कर बोला था क्वेश्चन का, तो जितना मैंने बताया है आंसर ऐसे ही लिखना है आपको, पहले प्रिंसिपल फिर उसके बाद में इंडिकेटर, प्रिंसिपल में सारे की सारी चीजें लिखनी है, ये वाली चीज यहाँ पे कोशिश करना, मैंने यहाँ पे जगह की कमी की वजह से मैंने इनके नाम नहीं लिखे, आपको सभी के नाम लिखने हैं, इनके सभी के नाम लिखने हैं ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन सके। ओके, इनके सभी के नाम लिखने हैं, फिर उसमें आपको प्रोसीजर लिखना है, इस तरह का डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा होगा। सिमिलरली एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेशन में भी आपको बैक टाइट्रेशन लिखना है, ये वाली चीज, और आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन करके उसका कैलकुलेशन से उसका एस्टिमेशन कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा प्योरिटी पता लग जाएगी KCl की। ओके,